सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज रूस व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रूस व्लॉग लाता है प्रॉपर्टी घर बैठे बढ़िया सा और शानदार सा प्रोजेक्ट आपको दिखाने लाए, जो कि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, रेरा से रजिस्टर्ड है और जिला पंचायत से अप्रूव्ड है। और लोकेशन भी वो जो सबसे ज्यादा डिमांडेड रहती है, यानी कि सुल्तानपुर रोड। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें सुल्तानपुर रोड पे गोसाईगंज थाने के काफी नजदीक में हम लोग खड़े हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एकदम न्यूली लॉन्च्ड है, लेकिन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए बेनिफिट्स आपको मिलेंगे शानदार, नियर बाय लोकेशंस मिलेंगे शानदार। और डिटेलिंग में जानेंगे कैसे कर सकते हैं आप सब बुकिंग, बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो करना क्या है आपको, वीडियो में अंत तक बने रहना है जिससे सारी डिटेल्स आपको समझ में आ सके। तो अब हम जोड़ेंगे हमारे प्रोजेक्ट की तरफ से किसी को जो हम लोग को सारी डिटेलिंग बताएगा और जिससे कि आप सही से समझ भी सकें प्रोजेक्ट के बारे में। आपके माइंड में ये आ रहा हो कि हाईवे से हम लोग कितनी दूर पे, तो हाईवे से काफी नजदीक है। एग्जैक्ट लोकेशन अभी हम कंसर्न पर्सन से पूछ के आपको बताएंगे। देख सकते हैं ये मेन हाईवे से हम थोड़ा ही सही चल के आए और चारों तरफ आपको घनी आबादी दिख रही होगी। मकान बने हुए देखिए, वहां पे लोग डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि तुरंत मकान बना के रहने योग्य अच्छी साइट है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। आइए जोड़ते हैं और बताते हैं सारी डिटेलिंग। आप नाम रीता, मैम पहले अपने बारे में, नमस्ते, अपने बारे में व्यूअर्स को ही बताइए। जी मेरा नाम रीता शर्मा है, मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 50 बीघे का प्रोजेक्ट है। करेंटली अभी जो अप्रूवल हमें गवर्नमेंट से मिला हुआ है वो 6.5 बीघे में अभी मिला है, जिसमें कि डेवलपमेंट अभी चल रहा है जी। जब तक आप लोग आएंगे तब तक ये रोड भी कंप्लीट हो चुकी रहेगी, सीवर पड़ चुका है। हाँ। आप जैसे कि देख रहे हैं सीवर पड़ चुका है, रोड का काम चल रहा है, एसटीपी का काम भी स्टार्ट हो चुका है। बाकी इसमें जो एमिनिटीज हम दे रहे हैं वो रोड है, नाली है, इलेक्ट्रिसिटी है, गेट है, पार्क है, एसटीपी, वाटर हार्वेस्टिंग, बाउंड्री वॉल, प्लस ये गेट यहाँ पे, ये 40 फीट की जो रोड जिसपे हम खड़े हैं इस पे गेट यहाँ पे लगेगा। और वो सामने वाली 80 फीट की रोड है। अच्छा, वो 80 फीट की रोड पास आउट है। तो जैसे कि ये हमारा प्लॉट है सामने वाला, ये 80 फीट की रोड पे फेसिंग है इसकी। तो ये कमर्शियल प्लॉट है और इसके पीछे जितना भी है वो सब रेजिडेंशियल है। 40 और 30 फीट की रोड पे रेजिडेंशियल है। ठीक है मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, व्यूअर्स को एक बार वापस से लोकेशन ब्रीफ कर दीजिए यहाँ की। क्या जी, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये गोसाईगंज पुलिस चौकी आप देख रहे हैं, बस उससे थोड़ा सा 200 मीटर आगे आप बढ़ेंगे, बस वही नजदीक में ही हाईवे से लगा हुआ है। हाईवे से 200 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब अप्रूवल की बात करें तो अप्रूवल्स भी बता दीजिए। जी, हमारा प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, जिला पंचायत अप्रूव्ड है और रेरा अप्रूव्ड कंपनी भी है हमारी। अच्छा, तो मैम ने जैसे आपको एमिनिटीज बताई हैं, जब कोई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होता है तो अच्छी बात ये होती है जो सारी आपको एमिनिटीज मिलती हैं वो उसके अंतर्गत मिलती हैं। तो बढ़िया एमिनिटीज मिल जाती हैं, सारी मॉडर्न एमिनिटीज आपको मिल जाती हैं, जैसे कि चौड़ी सड़कें, गेटेड सोसाइटी, एसटीपी, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग आपको अच्छी अच्छी एमिनिटीज मिलती हैं जो कि आपको यहाँ पर भी मिलेंगी क्योंकि एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। मैम जैसे कि आपको पता है कि लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सोचते हैं कि उन्हें तुरंत मकान बना के रहने के लिए मिल जाए, ज्यादातर प्रेफरेंस आज की डेट में इसी पे ही है। तो ये तो हमें लग रहा है परफेक्ट है तुरंत मकान बना के रहने जी, के लिए। जी हाँ, तुरंत आप मकान बना के रह भी सकते हैं क्योंकि आसपास देखिए सारे मकानी मकान हमें दिख रहे हैं। जी जी, अब बात कर लेते हैं मैम, देखिए मकान बना के रहेंगे तो हमें चाहिए बगल में मार्केट प्लेस जी, हमें चाहिए हॉस्पिटल्स नियर बाय में, हमें चाहिए अच्छे अच्छे स्कूल जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सके। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप डिटेल्स बता दीजिए, 2-4 स्कूल का नाम बता दीजिए, 1-2 हॉस्पिटल्स के नाम बता दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे नियरेस्ट हमारी जो कनेक्टिविटी ये गोसाईगंज है। गोसाईगंज में ही आपको बड़े बड़े स्कूल जैसे मिल रहे हैं, एक तो संकट मोचन है जी, प्लस शिमला पब्लिक स्कूल है जी, बिल्कुल सही। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो शारदा है, सरोज है, टीडीएल है, काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल सब यहाँ पे है। ठीक है, और अगर हम 10 किलोमीटर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सईद पथ पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो सईद पथ पे तो बड़े बड़े स्कूल है ही, डीएमएस हो गया, डीपीएस हो गया, जयपुरिया है, सेंट फ्रांसिस है, सब बड़े बड़े स्कूल है, जीडी गोइन का है, जीडी गोइन का है।
कूप्स कॉन स्कॉलन ऐसे करके एक है वो है, तो काफी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पर। बिल्कुल स्कूल की तो प्रेफरेंसेस हमें मिल गई, अब कुछ हॉस्पिटल्स की भी बात कर ली जाए। हॉस्पिटल्स में यहाँ पे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सरकारी हॉस्पिटल है, सामुदायिक केंद्र है जी, बिल्कुल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बाकी साई कृपा है, बाकी और भी कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे। सेम उस यहाँ पे भी लागू होता है कि जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको मेदांता मिल जाएगा जी, हाँ है ना, सारे अच्छे अटल बिहारी हॉस्पिटल मिल जाएगा आपको जी। सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि हॉस्पिटल, मार्केट प्लेस, स्कूल, सब कुछ है। मार्केट प्लेस मैम गोसाईगंज मार्केट है, नियरेस्ट तो गोसाईगंज है, लेकिन आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको अमेठी भी इधर, अगर थोड़ा से इधर अगर राइट साइड जाएंगे तो अमेठी मार्केट पूरी मिल जाएगी, और अगर थोड़ा सा बैक होएंगे तो आपको ये अमूल डेयरी के आसपास जो पूरी सारी मार्केट है सब मिल जाएगी। और 24/7 दोस्तों आपको कन्वेंस मिल जाता है यहाँ पे, यानी कि तुरंत मकान बनाने के लिए बिल्कुल सर्वोत्तम ये प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ सारी बेहतरीन एमिनिटीज। देखिए जब आप कोई अप्रूव प्रोजेक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले तो ट्रस्ट इश्यूज आपके खत्म हो जाते हैं, आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई हमें इन फ्यूचर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखते हैं दूसरी सबसे प्लस पॉइंट ये मिलता है अपने को कि बैंक लोन आसानी से हो जाता है, और तीसरा कि एमिनिटीज शानदार मिलती है। देखिए अभी एकदम न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए सीवर का काम चल रहा है, नालियाँ कट चुकी हैं, यहाँ पे रोड का काम चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, गेटेड सोसाइटी का काम चल रहा है एंट्रेंस पे, तो काफ़ी बढ़िया काम चलता है, तेज़ी से चलता है। और रोड अगर आप देखें तो देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी, 40 फीट की मैम रोड है, ये 40 फीट, तो देखिए 40 फीट की करीब आपको रोड मिल जाती है, जिसमें दो गाड़ियां अगर खड़ी कर दें फोर व्हीलर, उसके बाद भी काफी स्पेस अपने को चलने के लिए, अलावा ये ड्रेनेज के लिए, नाली के लिए स्पेस छोड़ा गया जी, है उसके अलावा तो आप समझिए बढ़िया एमिनिटीज मिलती हैं। अब आ जाते हैं इस पे कि सुल्तानपुर रोड की खासियत क्या है। सबसे अच्छी खासियत तो ये सुल्तानपुर रोड पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, इवन आने वाले कल में कुछ बहुत सारे प्रपोज्ड भी हैं। कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड एकदम मक्खन की तरीके से है, आप चलते चले जाएंगे मात्र 10 मिनट में आप फट से पहुंच जाएंगे न्यू लखनऊ, आपको पता भी नहीं चलेगा, ड्राइव इतनी मजेदार आपकी होगी, इतनी स्मूथ ड्राइव होती है। तो ये रोड पर्सनल बेसिस पे हमें खुद भी पसंद है, यहाँ पे जब हम आते हैं तो फटाक से पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो मैम अब आप कनेक्टिविटी थोड़ी बता दीजिए हम लोग को, कहाँ कहाँ की मिल रही है यहाँ से। देखिए जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है इसकी कनेक्टिविटी जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे सुल्तानपुर हाईवे NH 56 से हो रही है, प्लस अगर आप वहीं से स्ट्रेट अगर जाएंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ठीक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी हो रही है। फिर थोड़ा सा अगर राइट हो जाएंगे तो फैजाबाद रोड बाराबंकी की तरफ गई हुई है, वहाँ से भी एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे आप पूर्वांचल के आगे तो आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड से अगर आप लेफ्ट होके जाते हैं तो आपको इधर इलाहाबाद वाली पूरी रायबरेली वाली कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, और अगर स्ट्रेट होके जाते हैं तो वो आपको कानपुर वाली कनेक्टिविटी पे जोड़ दे रहे हैं। तो कनेक्टिविटी आपको बहुत ही शानदार मिल रही है, सारी तरफ से मिल रही है, ये अच्छी बात है। मैम थोड़े से अपकमिंग प्रोजेक्ट और थोड़े से रनिंग प्रोजेक्ट जो इस रोड के हैं कुछ उसके बारे में भी बताइए। मैम इस समय अभी जस्ट दीपावली पर LDA और आवास विकास ये दोनों बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, IT सिटी और वेलनेस सिटी, ये दोनों प्रोजेक्ट इसी सुल्तानपुर रोड पर लेकर। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अप्रूव प्रोजेक्ट की ज्यादा डिमांड है, क्योंकि नॉन अप्रूव में किसी भी दिन बुलडोजर चल सकता है, तो वहाँ पे खतरा ज्यादा है। और बढ़िया रोड है, डिमांडेड लोकेशन है सुल्तानपुर रोड, वहाँ पे अगर आपको अप्रूव प्रोजेक्ट मिल जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, क्योंकि भैया बढ़िया प्रॉपर्टी तो आपका फ्यूचर भी बढ़िया कर देती है। तो आपका बहुत अच्छा है, होप कि व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा, बाकी आप इतना स्वीटली बता रही हैं, तो अगर आपको भी मैम से बात करनी है, मैम की आवाज़ सुननी है, मैम का एक सुंदर सा प्रोजेक्ट देखना है तो इस नंबर पर कॉल करिए, फ्री विजिट्स हैं, मैम आपको विजिट कराएंगी, सारी डिटेलिंग बताएंगी और उसके बाद आप आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। तो मैम बुकिंग प्रोसीजर भी जान लेते हैं, क्या प्राइस मैम कोट किया गया यहाँ का। देखिए यहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनका रेट 2150 है पर स्क्वायर फीट, 2150 रुपए पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो 80 फीट की रोड पर है
जी। उनका रेट 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, यहाँ मोड ऑफ पेमेंट ये है कि 25% से बुकिंग होती है, 25% से आप प्लॉट अपना बुक करिए, लेकिन 1,00,000 टोकन मनी दे करके पहले आप प्लॉट को होल्ड कर लीजिए। ठीक है, बाकी फिर 25% दीजिए, उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट है वो रजिस्ट्री के पहले भी दे सकते हैं या बाद में भी आप दे सकते हैं, या सेम डे आप रजिस्ट्री के सेम डे आप दे दीजिए। ठीक है, तो मैम ने सारी डिटेल्स आपको बता दी। अब आप मैम बताइए सबसे छोटा प्लॉट साइज हम लोग क्या अक्वायर कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे छोटा साइज जो है वो 700 स्क्वायर फीट का है, वो 30 फीट की रोड पर है वहाँ पे। अच्छा। सबसे छोटा, और सबसे बड़ा प्लॉट जो है वो आपके 3200 स्क्वायर फीट का या 80 फीट की रोड पर है। ठीक है, तो 750 स्क्वायर फीट से 700 स्क्वायर फीट से आप यहाँ पे प्लॉट खरीद सकते हैं। मैम बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है? सरकारी बैंक से हमारा बैंक लोन मिल जाएगा। तो भाई बैंक लोन की सुविधा भी है, अप्रूव प्रोजेक्ट है, 2150 रुपए पर स्क्वायर फीट से यहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हैं। सबसे छोटे प्लॉट साइज की बात करें तो 700 स्क्वायर फीट का है। अब सोचने में समय मत गवाइए, मैम से बात करिए, विजिट करिए, और आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली पसंद आएगा, है ना मैम? बिल्कुल। तो मैम कुछ और कहना चाहेंगी व्यूअर्स को? बस मैं ये कहूंगी कि आप लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करिए, एक बार विजिट कर लीजिए पहले। विजिट पसंद, अगर प्लॉट आपको पसंद आता है, साइट पसंद आती है, कनेक्टिविटी पसंद आती है, रेट आपके बजट में है, तो आप बिना देरी किए प्लॉट अपना बुक कर दीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं। 75 प्लॉट्स हैं जिसमें कि 25 प्लॉट्स निकल चुके हैं, बस रेस्ट प्लॉट्स जो हैं वो इसी नवरात्रि और दीपावली तक खत्म हो जाएंगे। तो भाई आप इनसे विजिट करिए, होपफुली आपको कुछ ना कुछ मैम ऑफर जरूर देंगी, बढ़िया था, तो उसके लिए आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। तो भाई ये था आज का वीडियो। बहुत आप लोग कहते हैं कि मैम अप्रूव साइट लाइए, अप्रूव प्रोजेक्ट लाइए, अप्रूव प्रोजेक्ट लाइए, ले आए हैं अप्रूव, तो इसका मौका जाने मत दीजिएगा। इस नंबर पर कॉल करके विजिट जरूर प्लान करिएगा, क्योंकि विजिट से आपके माइंड में क्लैरिटी होती है। उस सबसे बड़ी क्लैरिटी ये होती है जो हम दिखाते हैं एक्चुअली वही मौजूद होता है, प्लस पॉइंट ये मिल जाता है, और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। फिलहाल करते हैं इस वीडियो को एंड, हम जल्दी मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम सब हैं लखनऊ में, और देखते रहिए रूस व्लॉग, क्योंकि रूस व्लॉग लाता है प्रॉपर्टी घर बैठे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आती हैं आप सबके लिए बेहतरीन रियल स्टेट से रिलेटेड रील्स। मेरे साथ वीडियो शूट करना बहुत ही आसान है, डिस्क्रिप्शन के साथ ये फोन नंबर, इस पर कॉल करके आप मेरे साथ वीडियो शूट प्लान कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।